सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे अब्राहम की मृत्यु और ये हमें देखने को मिलता है उत्पत्ति उसका 25वां अध्याय के 7 से लेकर 11 आयत तक। आपके पास बाइबल है तो हमेशा की तरह अपनी बाइबल को हमारे साथ खोल लीजिए और इसके लिए आपको बाइबल को खोलकर इसके उत्पत्ति में जाना पड़ेगा और उत्पत्ति में 25वां अध्याय की 7वीं से 19वीं आयत हमारे साथ पढ़नी पड़ेगी। 7 से लेकर 11 आयत तक पढ़नी पड़ेगी जहां हम देखेंगे अब्राहम की मृत्यु। और हमेशा की तरह इन चंद आयतों को सबसे पहले हम उर्दू में पढ़ेंगे। उर्दू में हम विशेष रूप से उन्हीं आयतों को पढ़ते हैं जो कि अति महत्वपूर्ण है। हालांकि बाइबल में लिखा एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है लेकिन कुछ बातें बेहद इंपॉर्टेंट है, तो जो बेहद इंपॉर्टेंट बातें हैं उन्हीं बातों को हम उर्दू में पढ़ते हैं ताकि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और उर्दू में इसका शीर्षक रहेगा अब्राहम की वफात। 7वीं ऐसे लिखा है, और अब्राहम की कुल उम्र जब तक के वो जीता रहा 175 वर्ष की हुई। अब्राहम की कुल कितनी आई थी? 175 वर्ष। कितने साल का था अब्राहम? 175 साल। ये बातें याद रखने की छोटी छोटी बातें हैं, इससे हमें पता चलता है कि किसने ने कितना जीवन जिया और जीवन के अंदर क्या क्या कार्य किए। अब्राहम की टोटल उम्र 175 वर्ष। तो अब्राहम ने दम छोड़ दिया और खूब बुढ़ापे में निहायत जफई और पूरी उम्र का होकर वफात पाई और अपने लोगों में जा मिला। और उसके बेटे इजहाक और इस्माइल ने मखफिला के गार में, जो ममरे के सामने हित्ती सुहर के बेटे इफ्रोन के खेत में है, उसे दफन किया। ये वही खेत है जिसे अब्राहम ने बनी हित से खरीदा था और वही अब्राहम और उसकी बीवी सारा दफन हुए। और अब्राहम की वफात के बाद खुदा ने उसके बेटे इजहाक को बरकत बख्शी और इजहाक बैल ही रोई के नजदीक रहता था। परमेश्वर का जाने पर परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। हिंदी में देखते हैं अब्राहम की मृत्यु, उत्पत्ति 7 से। अब्राहम की सारी आयु 175 साल हुई, जैसे कि हमने बताया था कि 250 साल तक अब्राहम है वो जिंदा रहा था। और अब्राहम का दीर्घायु होने के कारण अर्थात पूरे बुढ़ापे की अवस्था में प्राण छूट गया, और बहुत ज्यादा जब जर्जर हो गया, बूढ़ा हो गया, तब जाकर अब्राहम का प्राण छूटा था और वह अपने लोगों में जा मिला। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी, अपने लोगों में जा मिला था। उसके पुत्र इसहाक और इस्माइल ने हित्ती सोहर के पुत्र एप्रोम की ममरे की सम्मुख वाली भूमि जो मखपोल की गुफा थी उसको मिट्टी दी, अर्थात जो भूमि अब्राहम ने हित्तियों से मोल ली थी उसी में अब्राहम और उसकी पत्नी सारा को मिट्टी दी। जो भूमि अब्राहम ने पहले ही खरीदी थी अपनी पत्नी सारा को दफनाने के लिए, उसी गुफा के अंदर, उसी भूमि के अंदर अब्राहम की भी कब्र बनी, उसे भी दफनाया गया। अब्राहम के मरने के पश्चात परमेश्वर ने उसके पुत्र इसहाक को जो लहरोई नामक कुएं के पास रहता था आशीष दी। जब अब्राहम मर गया उसको दफना दिया गया और उसके बाद उसके बड़े इसहाक को परमेश्वर ने बड़ी बरकत दी, खूब सारी बरकत दी। आज की से पर्टिकुलर छोटे से वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसका शीर्षक रहेगा इस्माइल की वंशावली। लेकिन फिलहाल इतना ही। जय मसीह।